लोहरदगा जिला पुलिस ने अंतर जिला बाइक चोर गिरोह के 8 शातिरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से और इनकी निशानदेही पर 21 बाइक बरामद की गई है। लोहरदगा पुलिस की यह बड़ी उपलब्धि है। सभी बाइक चोरी की है और अलग अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की गई है। गिरफ्तार अपराधी लोहरदगा जिले के ही हैं। इन्होंने लोहरदगा और गुमला जिले में चोरी की कई वारदातों को अंजाम दिया है। लोहरदगा SDPO BN सिंह के नेतृत्व में छापामारी कर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया है और चोरी की बाइक जब्त की है। SDPO श्री सिंह ने बताया कि गिरोह में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक लोहरदगा द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल चोर गिरोह के विरुद्ध छापामारी की गई है, जिसमें उल्लेखनीय सफलता हाथ लगी है। अभी तक कुल 21 विभिन्न कंपनियों के मोटरसाइकिल और 8 शातिर अपराध करने की गिरफ्तारी हुई है। इनके द्वारा बताए गए बयान के आधार पर और भी हमारी टीम जो है छापामारी कर रही है, बहुत जल्द और सफलता हाथ लगेगी। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा अपने स्वीकारोक्ति बयान में बताए हैं कि ये विशेषकर लोहरदगा जिला, रांची के ग्रामीण क्षेत्रों में, लातेहार जिला, गुमला जिला, ये चारों जिला में विभिन्न थानाओं में इनके द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की गई है और चोरी के बाद उसके नंबर प्लेट को चेंज करके इन लोग उपयोग करते थे तथा कुछ लोगों को इन्होंने बिक्री भी की है। ये एक महत्वपूर्ण सफलता है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।